राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड का अध्याय 16 से अध्याय 20। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, वहाँ जाकर कामदेव अपनी माया फैलाने लगा, अतः सुंदर वन उपवन लगा। वसन की बहार खिल पड़ी, कोयले मधुर शब्द करने लगी, शीतल मंद सुगंध पवन चल पड़ी। नदी सरोवर में कमल खिल गए, भौरे मधुर गुंजार करने लगे। काम साधनों को देख भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए और उससे भी कठिन तपस्या करने में तत्पर हो गए। कामदेव के वसंत बहार के साधन से तो कुछ ना बन सका, तब उसने रति स्त्री के साथ 5 बाण लेकर भगवान शिव के बाईं ओर चला दिए। तब संपूर्ण विश्व को मुग्ध कर देने वाले उन बाणों ने वहाँ पर भी अपना प्रभाव ना दिखाया। उसके बाद हाव भाव से मिले हुए श्रृंगार रस ने भी शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे भी सब के सब शिव हृदय तक पहुंचने के लिए कहीं से भी मार्ग ना पा सके। प्रचंड अग्नि के समान तीसरे नेत्र को धारे हुए ध्यान मग्न भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। नारद जी ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि लेकर वहाँ पूजन करने के लिए आईं। परम सुगंधित पुष्पों को लेकर सखियाँ भी साथ में थीं। उस समय शिव जी ध्यान से मुक्त हुए थे, तब कामदेव को अवसर मिल गया। सदाशिव पर बाण चला दिया उन्होंने और मोहित करने लगे उन्हें। तब उस समय जगत जननी भी श्रृंगार करके वहाँ आई, वह भी मानो कामदेव की सहायक हो रही थी। तब कामदेव ने धनुष पर पुष्प बाण संधान करके महादेव पर छोड़ दिया। तब सदाशिव सकाम हो गए और कुछ समय तक विचारने के बाद उनको ज्ञान हुआ। तब वे कहने लगे, अरे ये क्या, मैं निर्विकार होकर के भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया। तब करते समय यह नया विघ्न आकर खड़ा हो गया, कामदेव महाकुकर्मी निकला, जिसने मेरे मन में भी विकार पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, अपनी अद्भुत दशा देख देख कर सदाशिव काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे, तब दिशाएं भी कांप गईं। तब आपने बाईं तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बैठा हुआ देखा, जो शिव जी पर दोबारा बाण छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आ गए और शिव के तेज को देखकर काम कांपने लगा और साथ में मृत्युंजय भगवान शंकर को हाथ जोड़कर ध्यान करने लगा। शिव क्रोध में तप्त हुए कि उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया, उससे बड़ी तेज अग्नि निकली और उस अग्नि से वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव जलने लगा। वृक्ष से गिरकर भस्म हो जाने पर देवगण दुखित होकर रोने लगे। श्री पार्वती जी सखियों के साथ घर में चली गईं। कामदेव की स्त्री रति तो दुख के मारे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहां भेजकर भस्म करा दिया। उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखित होने लगे। उसके बाद इंद्र आदि देवता भी वहां पहुंचकर रति को धैर्य देते हुए समझाने लगे और बोले, देवी, यह संसार दुखों की खान है, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सब कोई अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। धैर्य धारण करो, शोक करने से क्या होगा। अब तुम धैर्य धारण करके अपने पति की थोड़ी सी भस्म लेकर अपने पास यत्न पूर्वक रख लो, शिव कृपा से तुम्हारा पति फिर जीवित हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार रति को धैर्य देकर देवता लोग भगवान शिव के निकट जा पहुँचे। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करके बोले कि हे प्रभु, यह काम कोई अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहा था, वह संपूर्ण देवताओं का कार्य कर रहा था। दैत्य तारकासुर संपूर्ण देवताओं को अतीव पीड़ित कर रहा है, उसी के विनाश के लिए यह उसका कार्य था। अब आप कृपा करके क्रोध शांत कीजिए और दुखित होती हुई एवं रोती हुई उसकी पत्नी रति को समझाने की कृपा करें। तब सदाशिव बोले, ऋषियों तथा देवताओं, अब तो मेरे क्रोध के कारण जो कुछ हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी के साथ विवाह करेंगे, द्वारिका पहुँचेंगे, तब कामदेव का भी जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नामक एक दानव आकर उसे चुरा ले जाएगा और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा, और यह रति उसी शंबर के नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हुआ इसका पति वहीं आकर इसे मिल जाएगा।
ये सुनकर देवगण कहने लगे कि प्रभु, जब तक इस रति का कहीं देहांत न हो जाए, इसलिए कृपा करके शरीर की तब तक आप ही रक्षा करते रहें और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुख दूर करने की भी कृपा कीजिए। सदाशिव बोले, देवताओं, कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा, मेरे ही गढ़ होकर आनंद करेगा। यह वृत्तांत किसी से मत कहना, मैं शीघ्र तुम्हारे दुख हर लूंगा। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। ये कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और देवगण भी अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर तीसरे नेत्र की अग्नि के द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डर कर मेरे पास आए। उन्होंने अपना कष्ट मुझे आकर सुनाया। उसके बाद उसका कारण समझकर मैंने भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां मैंने देखा कि भगवान शंकर की क्रोध की अग्नि बड़ी भड़क रही है। उस महान भयंकर अग्नि को मैंने शिव कृपा से रोककर हाथ से पकड़ लिया और समुद्र के पास पहुंचा। मुझे आया देखकर समुद्र पुरुष का रूप धारण कर मेरे पास आया और बोला, ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी बोले, सागर, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह शिव क्रोधाग्नि है, उससे त्रिलोकी जल जाएगी। इस कारण मैं उसे रोककर आपके पास ले आया हूँ। तुम ही सृष्टि के प्रलय काल तक इसे धारण किए रहो। जिस समय मैं आकर निवास करूँगा तभी इसे त्याग देना। इसे भोजन और जल तुम्हें नित्य देना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया। इसके बाद पवन के साथ बड़े बड़े शोले निकलती हुई वह शिव क्रोधाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई और मैं अपने लोक में चला आया। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उसे भगवान शंकर के विरह व्याकुल करने लगा। श्री पार्वती जी तो खाते पीते बैठते सोते सब समय में शिव विरह में व्याकुल रहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तुम ही उस समय लोकों में घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। हिमालय ने तुम्हें आया देखकर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाया। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर तुमने तो हिमालय को केवल इतना ही कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहाँ से उठकर तुम श्री पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें अकेला पाकर उनसे बोले, पार्वती जी, बिना तपस्या किए हुए भगवान शंकर की तुमने सेवा की, इससे तुमको अभिमान हो गया था। तुम्हारे उसी अभिमान को तोड़ने के लिए सदाशिव ने ऐसा ही किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करें। इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, ऋषि मुनिराज, आप परोपकार परायण हो, कृपा कर शिव आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दक्षिणा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तब नारद जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, उसका तप करो, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे विधि पूर्वक जपने से तुम्हें साक्षात शिव के दर्शन होंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शिव जी तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती अपने माता पिता से बोली, पिताजी, मैं तप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर स्वरूप जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी, इसीलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें। ये सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम अपनी माता से भी जाकर पूछ लो, यदि यह आज्ञा दे दे तो बहुत उत्तम होगा। ये सुनकर पार्वती मैना माता से पूछने लगी कि हे माता, आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें, मैं कल प्रातः काल होते ही वन में तप करने के लिए चली जाऊंगी। ये सुनकर मैना अतीव दुखित होकर बोली, पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, वन जाने की क्या आवश्यकता है? तप करने से वन में अनेकों दुख होते हैं। इस प्रकार की अनेकों बात कहकर मैना ने उमा देवी को वन में जाने से रोका। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखित हो गईं। उसे इस प्रकार दुखित एवं क्लेश में देखकर अंत में मैना ने उमा देवी जी को तप करने की आज्ञा दे दी। तब अत्यंत आनंद को पाकर अपनी माता पिता एवं सखी सहेली सब को यथोचित प्रणाम आदि करके उनसे आशीर्वाद पाकर तप के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्राभूषण आदि उतार दिए।
वलकल मृग चर्म आदि धारण कर उसी स्थान पर पहुंची जहां सदाशिव ने तप किया था। वहां पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना उन्होंने आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मंत्र जपती, वर्षा का कष्ट सह सह कर शीत काल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती, खाना पीना वायु आदि सबका विचार छोड़ दिया था। सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मग्न होकर मंत्र जपने लगती। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, इस प्रकार कठोर तप करते श्री उमा को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने शीत वर्षादि अनेकों कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आने लगे कि इस प्रकार का कठोर तप आज तक तो किसी ने भी नहीं किया है। तो ये थी अध्याय 16 से अध्याय 20 की कथा। नमो नारायण।